सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अनजान इलाके में नमाज के लिए मस्जिद जाने के लिए अब भटकने की जरूरत नहीं है। रोजेदार को मस्जिद तक पहुंचाने में अब रमजान ऐप मददगार साबित हो रहे हैं। ऐप के जरिए इलाके की मस्जिद के साथ शहर के प्रमुख मस्जिदों की लोकेशन भी आसानी से पता की जा सकती है। इबादत की दुनिया में डिजिटल दस्तक ने भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा से लेकर बुजुर्ग तक की इबादत को आसान कर दिया है। तकनीक का सहारा लेकर लोग नमाज से लेकर सहरी व इफ्तार का वक्त पता कर रहे हैं। मोबाइल पर डिजिटल कुरान से तिलावत करने और उसके मायने समझना हो तो डिजिटल तस्बीह ने भी अल्लाह का नाम दोहराना आसान कर दिया है। गूगल प्ले पर रमजान से संबंधित कई ऐप मौजूद हैं जिसे मोबाइल में डाउनलोड कर मस्जिद की लोकेशन पता कर सकते हैं। अगर आप सुनसान जगह पर नमाज अदा करना चाहते हैं और आपको किबला रुख की जानकारी नहीं हो पा रही है तो आप ऐप की मदद ले सकते हैं। यही नहीं, खान पान की लोकेशन भी ऐप के जरिए पता चल जाएगी। रोजेदार मस्जिदों और घरों में बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं। रमजान ऐप के जरिए अब राह चलते भी मोबाइल पर कुरान की तिलावत की जा सकती है। यही नहीं, जो लोग कुरान की तिलावत सुनना चाहते हैं उनके लिए ऑडियो ऑप्शन भी मौजूद है। इसके अलावा अरबी में मिलने वाली कुरान का अनुवाद भी कई भाषाओं में उपलब्ध है। ऐप पर रोज़ा रखने, रोज़ा खोलने की दुआ के साथ ही भोजन करने, कपड़े पहनने, घर के भीतर जाने, पानी बरसने और सफ़र करने तक की दुआएं भी अब मोबाइल पर आसानी से पढ़ी जा सकती हैं। रमज़ान में अपनी दौलत को पाक करने के लिए गरीबों को ज़कात देना भी ज़रूरी है। ज़कात में कितनी रकम अदा की जानी है इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐप पर ज़कात का ऑप्शन मौजूद है। बस आपको अपने पास कितना सोना, चांदी, नगद, संपत्ति आदि है उसे ऐप पर डालना है। ऐप आपके लिए ज़कात की रकम खुद तय करेगा। गूगल प्ले स्टोर पर मुस्लिम प्रो, रमज़ान 2019, कुरान मजीद रमज़ान, इस्लामुना प्रेयर टाइम, उम्माह मुस्लिम, सजदा रमज़ान, माई रमज़ान, रमज़ान चैलेंज, मुस्लिम असिस्टेंट, मुस्लिम लाइफ, उम्मा कुरान, कुरान प्रो आदि नाम से कई ऐप मौजूद हैं। इसके बारे में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान है कि मोबाइल पर ऐप के जरिए इबादत करने में किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। इबादत के लिए किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले बस आपको किसी आलिम से उसकी विश्वसनीयता की जांच कर लेनी चाहिए।